इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, शुभमन गिल और केएल राहुल। रोहित शर्मा के हाथों किस खिलाड़ी की चमकेगी किस्मत, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग शीट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के बीच 1 मार्च से मध्य प्रदेश के इंदौर में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया ने सीरीज के शुरुआती दोनों ही मैचों में शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई हुई है। लेकिन शुरुआती दोनों टेस्ट में टीम इंडिया के लिए ओपनर केएल राहुल की खराब फॉर्म चिंता का कारण बनी हुई है। अब प्रयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल को चौथे टेस्ट मैच से बाहर किया जाएगा। राहुल के स्थान पर इस खिलाड़ी की होगी टीम में एंट्री। केएल राहुल ने शुरुआती दोनों टेस्ट की 3 पारियों में केवल 35 रन बनाए हैं। पिछले दोनों ही मुकाबलों में केएल राहुल को टीम की उपकप्तानी भी सौंपी गई थी। लेकिन अंतिम दोनों ही मैचों के लिए बीसीसीआई ने केएल राहुल से उनकी उपकप्तानी भी छीन ली है। ऐसे में अब राहुल पर प्लेइंग 11 से बाहर होने का भी खतरा मंडराने लगा है। कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने दूसरे टेस्ट के बाद केएल राहुल का बहुत सपोर्ट भी किया था। केएल की जगह गिल को मिल सकता है मौका। ऐसे में संभावना है कि केएल राहुल को शायद तीसरे मैच में भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने यदि केएल राहुल को बाहर बैठाया तो फिर उनके स्थान पर ओपनिंग के लिए शुभमन गिल मजबूत दावेदार हैं। शुभमन गिल ने अपने लास्ट 5 इंटरनेशनल मैचों में कुल 2 शतक जमाए हैं। वही गिल ने इसी साल ओडीआई में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रनों की शानदार दोहरी शतकीय पारी भी खेली थी, जिससे उनकी टीम में शामिल होने की दावेदारी और अधिक हो जाती है। तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर, केएस भरत, विकेटकीपर अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को भी शामिल किया गया है।